वेलकम डियर स्टूडेंट्स इस पॉलीमर्स की इस लेक्चर सीरीज में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स तो ये क्या होंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिलिकॉन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं ये जनरल मेथड्स है मैं बार बार इसको रिपीट कर रही जनरल मेथड्स ये एक आम मेथड है अब अलग अलग सिलिकॉन के लिए हम अलग अलग तरीके के कंपाउंड ले सकते हैं लेकिन ये जनरल स्टेप्स हैं कि कैसे हम सिलिकॉन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं सो so, कितने स्टेप्स होते हैं जनरली देर आर थ्री स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स ये देखिए सिलिकॉन के सिंथेसिस में जनरली थ्री स्टेप्स होंगे जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस सबसे पहले हम किसका सिंथेसिस करेंगे क्लोरोसाइलेंस का ओके okay? क्लोरोसाइलेंस आपने पढ़ लिए हैं क्लोरो डेरिवेटिव होंगे जिसमें कि एलकाइल या एराइल ग्रुप भी हो सकता है और आपसे मैंने कहा था तो जो सबसे जो जो यूज होने वाला जो साइलेन्स हैं वो क्या यूज होते हैं जो डाईमिथाइल साइलेंस होते हैं वो बेसिक यूनिट होती है ओके तो यहाँ पर जो हम सिंथेसिस कर सकते हैं क्लोरोसाइलेन्स का देखिए हम सिंथेसाइज कर सकते हैं डाईक्लोरोल साइलेन ट्राईक्लोरो मिथाइल साइलेन क्लोरो ट्राई मिथाइल साइलेन ये तीनों हम प्रिपेयर कर सकते हैं और ये जनरली मिथाइलिक कंपाउंड लिए जाते हैं वैसे हम इसको R2 से भी शो कर सकते हैं R कोई भी यूनिट हो सकती है ये ग्रुप हो सकता है मिथाइल या एराइल ग्रुप पर हमने यहां पर जो सिंथेसिस दिखाया है वो मिथाइल कंटेनिंग क्लोरोसाइलेंस का दिखाया है तो ये जो जो सिंथेसिस है ये दो मेथड से हो सकता है एक तो डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस जो रोसो प्रोसेस थी जो किसने दी थी रोसो ने दी थी आपने देखा था मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था तो उस प्रोसेस से हम कर सकते हैं या फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करके हम क्या बना सकते हैं क्लोरोसाइलेंस तो ये मैं अभी आपको जनरल बता रही इसके बाद में आपको डिटेल में वन बाय वन कि हम सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंट कैसे करते हैं वो हम डिटेल में बताएंगे पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ अब ये देखिए जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस अब ये जो हमने पहले स्टेप में जो क्लोरोसाइलेंस बनाए हैं वो क्या बनाए थे देखिए आर टू एस आई सी एल टू आर थ्री एस आई सी एल एंड आर एस आई सी एल थ्री इनका हाइड्रोलिसिस अगर इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनाएगा देखिए ये दो सीएल रिप्लेस हो जाएंगे दो ओ से एक सीएल रिप्लेस हो जाएगा एक ओएच से और तीन सीएल रिप्लेस हो जाएंगे तीन ओ से तो जैसे ही हम इन क्लोरोसाइलेंस uh, को हाइड्रोलाइज करेंगे ये क्या बना देंगे ऑल बना देंगे साइलेनोल्स बनाएंगे ये साइलेनोल्स एक्चुअली जब हम हाइड्रोलिस करेंगे तो पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस साथ होता है हमने इसको तीन स्टेप में दिखा दिया है ओके okay? तो दूसरे में आप देख देखें हाइड्रोलिस होगा क्लोरोसाइलेंस का और क्या बन जाएंगे ये डायोल्स या ट्राइल्स मतलब साइलेनोल्स बन जाएंगे ठीक है और तीसरे स्टेप में देखिए क्या होगा तीसरे स्टेप में आप देखेंगे जो साइलेनोल्स हैं दे विल पॉलीमराइज़ कंडेंसेशन कंडेंसेशन ऑफ़ का होगा ओ एच ज्यादा है, है? है, OH है देखिए यहां पर ओएच OH बहुत ज्यादा है तो यहां पर क्रॉस लिंकिंग बहुत अच्छी होगी तीनों ओएच क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं ओएच OH कम हुए क्रॉस लिंकिंग कम हो गई तो ये रिंग या चेन पॉलीमर बनाएगा यहां पर क्रॉस लिंक्ड चेन बना सकता है यहां पर एक ओएच OH ग्रुप है तो एक ओएच OH एच ग्रुप जब यूज हो जाएगा तो ये यह यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और ये क्या बना देगा डाइसाइल इथेन ये पॉलीमराइज नहीं होगा इतना इजीली जितना इजीली ये दोनों पॉलीमराइज होंगे जितने ज्यादा ओएच OH ग्रुप होंगे उतना ज्यादा उसके पास चांसेस है कि वो ओ एस आई ओ एस आई लिंकेज बना सके जिसको हम वन बाई वन अभी प्रिपरेशन में देखेंगे तो आप तीन स्टेप समझ गए होंगे पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस देन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस

अब आप मैंने आपसे कहा था कि जो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसाइलेनस है ये दो मेथड से हम दिखाएंगे या तो डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है रोसोमुलर डायरेक्ट प्रोसेस या फिर यूज ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो पहले आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं इसका उसके बाद में आपको फोकस करने वाली हूं एक सिंपल रिएक्शन पर जो कि डायरेक्ट रिएक्शन होगी देन हम ग्रिगनार्ड पर फोकस करेंगे तो आई थिंक आपने स्क्रीन ले लिया होगा ये देखिए फोकस किया मैंने डायरेक्ट रिएक्शन पर तो डायरेक्ट रिएक्शन पर हम देखेंगे देखिए ऐसा जो है सिलिकॉन डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटालिस्ट टू फिफ्टी टू टू एट्टी डिग्री एंड अप टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हो सकता है और यहां पर इसको इसको डायरेक्ट प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है विद एल्काइल uh, हेलाइट के साथ अप uh, टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और आप देखेंगे मिक्सचर ऑफ क्लोरोसाइलेंस बनेंगे यहां पर दो मिथाइल हैं ये डाइक्लोरोल साइलेन है दिस इज ट्राइक्लोरो मिथाइल साइलेन एंड दिस इज क्लोरो ट्राई मिथाइल साइलेन तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे यहां पर और ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो बनेंगे उनका फिर हम क्या करेंगे हाइड्रोलिस सो दिस इज द डायरेक्ट रिएक्शन इन बिटवीन एसआई एंड एल्काइल और एराइल हेलाइट अब देखिए इस रिएक्शन में क्या यूज किया है ग्रिगनार्ड रिएजेंट को तो यहां पर सिलिकॉन का हेलाइड लिया है क्लोराइड लिया है इसकी रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करेंगे तो ये क्या बनाएगा देखिए सी सिक्स एच फाइव एस आई सी एल थ्री दिस इज ट्राइक्लोरोनाइल साइलेन और ये हमने एराइल कंटेनिंग कंपाउंड बना दिया है और इसके साथ MgCl2 बनेगा और अदर इसके अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे इसमें डाइक्लोरो या क्लोरो या फिर ट्राईक्लोरो तीनों तरीके के प्रोडक्ट्स इसमें भी बनेंगे और वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे क्लोरोसाइलेंस और उन क्लोरोसाइलेंस का फिर क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी हैव प्रिपेयर्ड क्लोरोसाइलेंस क्लोरोसाइलेंस कैसे बने दो मेथड से बने डायरेक्ट मेथड एंड एक क्या था ग्रिगनाडर रिएजेंट ये देखिए दूसरा स्टेप क्या था दूसरा स्टेप था हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे इसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया है क्लोरोसाइलेंस का ये क्लोरोसाइलेंस जो हमने बनाए थे आर सी एस थ्री भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है ठीक है तो जब हम इसका ये देखिए ट्राईक्लोरो एल्काइल साइलेन, डाइक्लोरो एंड क्लोरो तो ये तीन तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट बने थे क्लोरोसाइलेंस में उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा ट्राइओल बन गया देखिए यहां पर डाईओल बन गया यहां पर क्या बन गया आ, साइलोल ओके साइल, साइल, आ, साइलेन डाइओल साइलेन ट्राईओल तो ये क्या बन गया हाइड्रोलिसिस के बाद इन्होंने क्या बनाया साइलेनॉल्स सो हाइड्रोलिसिस अगर क्लोरो का करेंगे तो क्या बनेंगे साइलेनॉल्स तो ये साइलेनॉल्स फिर क्या करेंगे थर्ड स्टेप में क्या होगा कंडेंसेशन ऑफ दीज साइलेनॉल्स ये क्या है साइलेनॉल्स किससे बनेंगे क्लोरो से क्या बनेंगे साइलेनॉल्स ये देखिए तीसरा स्टेप क्या है कंडेंसेशन ऑफ साइलेनोल्स तो अब ये क्या होंगी जो साइलेनोल्स बन रहे हैं आपस में जुड़ेंगे और ये जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो देखिए एक साइलेनोल ये डायोल है और दूसरे डायोल ने इसके साथ जब रिएक्शन किया तो ये एच निकल गया और ये देखिए एस आई ओ एस आई लिंकेज बन गया एस आई ओ एस आई लिंकेज है और एस आई सी लिंकेज है तो ये देखिए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया और आप देखेंगे फर्दर इनका पॉलीमराइजेशन हो सकता है फर्दर दे कैन रिएक्ट एंड दे कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ये देखिए ये जो साइलेनोल जो बना था उसने वो जो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था इससे फिर कंडेंसेशन किया और कंडेंसेशन करने के बाद फिर क्या बना दिया एच टू निकाल दिया फिर से एक नया कम ऐसे ही होता रहेगा और ऐसी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा अब कुछ एक पॉइंट आपको कुछ नोट करने हैं जैसे हाइड्रोलिस ऑफ डाईक्लोरोल साइलेन अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा देखिए ये डाई मिथाइल डाई साइलेन डाईवॉल बन जाएगा ये जो बनेगा ये क्या बनाता है स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन करता है अगर यहां पर आर की जगह पर क्या हो सी एस हो तो ये जनरली स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट चेन में जुड़ता चला जाएगा और ये स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन करेगा और ये क्या बनाएगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स बनाएगा ये आपको याद रखना है आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि अगर ये आर ग्रुप CH3 है तो ये किस में कन्वर्ट होगा एस आई सी एच थ्री होल्डवाइज एस आई ओ एच का होल्डवाइज और ये जो कंपाउंड है जब ये पॉलीमराइज होगा कंडेंस होगा तो ये स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन करेगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाएगा तो आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होगा तो वहां पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइज पॉलीमर भी बन सकते हैं और स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी बन सकते हैं तो यहां पर अगर एस सी एस थ्री होल्ड वाइस एस आई सीएल टू होगा तो वो क्या बनाएगा स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन करेगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स बनाएगा और अगर हम इसी दै -दै साइलेन का हाइड्रोलिसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन करें तो क्या मिलेगा साइक्लिक पॉलीमर भी मिल सकता है जिसमें तीन से छह तक सिलिकॉन एटम्स हो सकते हैं तो ये जो है देखिए जो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो मिथाइल साइलेन है ये हाइड्रोलिसिस पर लॉन्ग चेन पॉलीमर भी बना सकता है और साइक्लिक पॉलीमर भी बना सकता है लॉन्ग चेन पॉलीमर कब बनाएगा जब अनकंट्रोल्ड होगी कंडीशन और जब कंडीशन कंट्रोल्ड होगी स्पेशली तो उस केस में ये साइक्लिक पॉलीमर भी बना सकता है जहां पर सिलिकॉन कितने हो सकते हैं तीन से छह सिलिकॉन एटम्स उस पॉलीमर में हो सकते हैं ये देखिए साइक्लिक पॉलीमर से है जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन में बनेंगे ये है ट्रिस साइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्जेन ये देखिए तीन इसमें सिलिकॉन है ठीक है और हर एक सिलिकॉन से कितने मिथाइल जुड़े थ्री टू मिथाइल तो ये तो डाई मिथाइल साइलोन -साइ साइलोक्न क्यों है क्योंकि इसमें एस आई ओ बॉन्ड है इसलिए ये साइलोक्न है अब आप याद करिए कि साइलोगजेन किसे कहते थे जो ऑक्सो डेरिवेटिव होते थे जहां पर क्या है ये एस आई ओ बॉन्ड है तो ये साइलॉक्जेन है डाई मिथाइल साइलॉक्न क्यों है डाई मिथाइल साइलॉक्सेन अब ऐसी डाई मिथाइल साइलॉक्सन कितनी यूनिट है देखिए वन टू एंड थ्री थ्री यूनिट्स है और ये कैसा है साइक्लो तो डाई मिथाइल साइलॉक्जेन कितनी है तीन है वन टू थ्री तो ये क्या हो गया ट्रेस ट्रेस

पॉलीमर भी बन सकते हैं अगर हम सी एस थ्री होल्ड एस आई सी एल टू को कंट्रोल्ड कंडीशन दें तब ये जो अगर हम लें क्लोरो ट्राइमिथाइल साइलेन को तो ये क्या बनाएगा देखिए ये इस तरीके का साइनॉल बनाएगा साइलेनॉल बनाएगा ये साइलेनॉल क्या होता है वोलेटाइल लिक्विड होता है और ये साइलेनॉल वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसकी दो यूनिट जुड़ के क्या बनाती है हेग्जामिथाइल डाई साइलोक्सिन इसके बाद कुछ पॉसिबल ही नहीं है आप देखिए इसमें जहां पर एक ओएच OH होगा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक OH तो ये एक एक होगा तो ही बॉन्ड बना पाएगा आप यहां तो कोई OH है नहीं अगर यहां पर ओ एच OH होता और यहां पर भी ओ एच OH होता तो ये फर्दर ऐसे चेन बना सकता था हमने कहां पर पढ़ा था जब हमने साइलेनोल जब बने थे तब हमने वहां पर पढ़ा था आ, किस तरीके से इनका पॉलीमराइजेशन होता है ठीक है तो देखिए अगर उसमें मैं आपको फिर से दिखाती हूं वो वाला पेज तो आप ये देखेंगे कि अगर उसमें देखिए ये दो ओएच है तो देखिए चेन बढ़ती जाएगी क्योंकि ये ये कंडेंस हो जाएगा ये वाला बचा बचाए अब इसके बाद ये वाला कंडेंस करेगा ठीक है लेकिन अगर उसके पास यहाँ ओ एच होगा ही नहीं ये भी आर ग्रुप होगा ये भी आर ग्रुप होगा तो वो एक ही बार बॉन्ड बना पाएगा और एक ही बार बॉन्ड बना के वो क्या बना देगा इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा कैसा कंपाउंड बनाएगा इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं हेक्सा मिथाइल ये देखिए छह मिथाइल है डाइसाइलॉक्जेंस तो इस तरीके का कंपाउंड जनरली ये जो है सीएस थ्री होल थ्राइस एस आई सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्मिनेशन के लिए बहुत यूज होता है ताकि जो पॉलीमराइजेशन है उसको टर्मिनेट भी तो करना है तो अगर हमें टर्मिनेट करना है तो हम ये कंपाउंड मिलाते हैं क्योंकि ये कंपाउंड क्या है अगर हम ये डाल देंगे तो ये क्या करेगा ये टर्मिनेशन कर देगा उसके आगे फर्दर नहीं हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा पॉलीमराइजेशन क्योंकि ये एक बार बॉन्ड बना लेगा तो बस बंद कर देगा रिएक्शन को इसलिए हम इसको टर्मिनेशन रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन में समझ रहे हैं आप आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि अगर ये देखिए ये आर है ये एस si आई है ये आर है ये आर है ये ओ OH एच है ओके ये दूसरा है एस आई आर 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 तो ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया अब ये इसके बाद फर्दर कंडेंस कहा होगा इसने क्या बना दिया ये बना दिया फर्दर कंडेंसेशन नहीं होगा अगर हम ये डाल दें किसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में तो ये जुड़ जाएगा एक साइड से अगर एक साइड से जुड़ गया तो ये रोक देगा रिएक्शन को उस साइड से रिएक्शन नहीं होने देगा पॉलीमराइजेशन तो इसलिए ये हम इसको कैसे एड करते हैं फॉर uh, एज ए कंट्रोलिंग एजेंट ये जो देखिये जो साइलेनोल्स हैं इनका जो रेशियो है वैसे तो इनको हम नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि इनका जो रेशियो है जो जो क्लोरोसाइलेन्स हैं ये क्लोरोसाइलेन्स ही इनमें कन्वर्ट होते हैं साइलेनोल्स में तो इनका जो रेशियो है अगर ये क्लोरोटाइ मिथाइल साइलेन है या डाईक्लोरोल साइलिन है तो इनका रेशियो क्या है इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर ये पॉलीमर के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है ठीक है तो कैसे करता है अभी देखते हैं हम ये देखिए कैसे इम्पैक्ट करता है अगर हमारे पास देखिए कोई हमने ये जो लिया हुआ है देखिए ये है ये हमने पहले क्या लिया होगा हुआ डाईक्लोरोल साइलिन जिससे कि ये ओ एच ओ एच ऐसा साइलिनोल बना है डाई बना उस डाई ने आपस में कंडेंसेशन किया और ये देखिए पॉलीमर बनाया अब अगर हम इसमें यह कंपाउंड डाल दें तो देखिए ये कहा करेगा इस साइड से रिएक्ट कर जाएगा और इस साइड को ब्लॉक कर देगा अगर हम ये ऐड नहीं करते तो ये ओ OH एच फर्दर पॉलीमराइज होता रहता लेकिन हमने इस जो हमने जो ऑल लिया है साइलेनॉल लिया है वो ट्राई साइलेनॉल है ट्राई साइलेनॉल क्या है उसमें एक साइड ओ एच है बाकी साइड ओ एच नहीं है तो ये ओ OH एच यहां रिएक्ट करेगा और इस तरीके का अब आप देखिए ये क्या फर्दर रिएक्ट कर सकता है इस साइड से ये चेन टर्मिनेशन होगी तो चेन टर्मिनेशन हो गई तो इसका मतलब है कि ये साइड तो ब्लॉक हो गई अब यहीं से होगा अगर हम इसको और मिला दें तो इस साइड को भी ब्लॉक कर सकता है तो क्या हो जाएगा चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा तो ये डिपेंड करेगा देखिए ये तो अब अगर हमारे पास डाई ऑल है तो देखिए लॉन्ग चेन बन रही है हमने पहले भी कहा था चेन बन रही है कभी साइक्लिक भी बन सकता है अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में करें अब ये देखिए अगर हम क्या लें अगर हमारा जो कंपाउंड है वो ये ज्यादा हो उसमें सीएस थ्री SI, अगर यही यह है मान लीजिए तो फिर किस तरीके का पॉलीमर बनने वाला है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्यों बनने वाला है क्योंकि ये जो साइलेनॉल बनाएगा क्या बनाएगा सीएस थ्री एस आई ओ एच का होल थ्राइस इसके पास तीन ओ साइट है देखिए एक तो सीएस थ्री जुड़ गया और ये सीएल होता ये सीएल होता ये सीएल होता जब उसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो ओ एच ओ एच ओ एच अब ये देखिए तीन साइड से बॉन्ड बना सकता है यहां भी बना सकता है नीचे भी बना सकता है ऊपर भी बना सकता है तो ये क्या कर देगा क्रॉस लिंकिंग जहां पर ये और ये केवल जो लिंकेज है एस आई ओ लिंकेज बना पाए तो क्या बनेगा चेन चेन बन सकता है या साइक्लिक बन सकता है लेकिन जहां पर ये तीन ओ एच ग्रुप होंगे मतलब तीन सी एल थ्री होंगे तो वो तीन ओ OH एच में कन्वर्ट होंगे जब तीन ओ OH एच में कन्वर्ट होंगे तो ये यहां से भी बॉन्डिंग बना सकता है इधर से भी बना सकता है और इधर से भी बना सकता सकते यहां से भी बना रहा है यहां से भी बना सकता है तो ये क्या बनाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाएगा ये किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि हम सा है, है कौन सा वाला साइलेन ज्यादा ले रहे हैं मिक्सचर है लेकिन रेशियो क्या है उसका उसमें कौन सा वाला साइलेन ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि पॉलीमर हमारा कैसा होगा पॉलीमर कैसा कैसा हो सकता है देखिए पॉलीमर हो सकता है लॉन्ग चेन पॉलीमर हो सकता है साइक्लिक पॉलीमर हो सकता है क्रॉस लिंक्ड तो क्रॉस लिंकिंग तो तब डिपेंड करेगी जब ओएच ग्रुप ज्यादा होंगे जितने ज्यादा ओएच ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी ओएच ग्रुप अगर कम होंगे अगर दो होंगे तो लीनियर बन सकता है या साइक्लिक बन सकता है अगर एक ओ OH ग्रुप होगा फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है पॉलीमराइजेशन की दो यूनिट जुड़ जाएंगी और वो टर्मिनेट कर देगा रिएक्शन को इन दिस वे वी कैन कंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकेट्स कैसे हम आ, इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं सिलिकॉन्स का इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं और हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेथड है इसको जो हम जो कैसे प्रिपेयर होते हैं इसके तीन मेन स्टेप्स हैं ये तीन मेन स्टेप्स क्या है पहला क्या बनाएंगे हम हम बनाएंगे क्लोरोसाइलेंस दूसरे स्टेप में क्या होगा क्लोरोसाइलेंस किस में कन्वर्ट होंगे साइलेनॉल्स में और तीसरा स्टेप क्या होगा जो साइलेनॉल्स होंगे उनका क्या होगा कंडेंसेशन होगा और जो पॉलीमर है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का पॉलीमर बनना है वो डिपेंड करेगा कि हमने मिक्सचर में उनका रेशियो क्या रखा है किसका जो क्लोरोसाइलिन उनका क्या रेशियो रखा है क्लोरोसाइलिन के रेशियो पर भी क्या डिपेंड करेगा फॉर्मेशन ऑफ साइलेनॉल कौन सा वाला साइलेनॉल बने जिसमें एक ओएच OH हो जिसमें दो ओएच OH हो या जिसमें तीन ओएच OH हो या मिक्सचर OH हो या अगर तीन ओ एच OH होंगे तो क्रॉस लिंकिंग हो सकती है क्योंकि वो तीनों साइड के ओ से वो लिंकिंग कर सकता है अगर इसमें दो ओ एच है तो या तो वो लीनियर बना सकता है पॉलीमर या वो साइक्लिक बना सकता है क्योंकि दो साइड से ही वो क्या कर सकता है ऐसा ही वो लिंकेज बना सकता है और अगर केवल एक ओ OH एच ग्रुप है तो वो एक ही बार बॉन्ड बना सकता है और उसके बाद वो टर्मिनेशन कर देगा फर्दर पॉलीमराइजेशन क्या होगा रुक जाएगा इसीलिए जो सी एच थ्री होल थ्राइस सी एस आई सी एल है उसको हम किस में यूज करते हैं टर्मिनेशन के लिए पॉलीमराइजेशन का अगर टर्मिनेशन करना है तो उसका रेशियो हम क्या कर दें बढ़ा दें तो फिर टर्मिनेट हो जाएगी पॉलीमर फॉर्मेशन रुक जाएगा तो ये था कि कैसे हम सिलिकेट्स को जनरल मेथड उसके हैं प्रिपरेशन के सिंपल जनरल स्टेप्स हैं कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं वो शो करते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उन प्रॉपर्टी की वजह से तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू वेरी मच